अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसा रमज़ान गुजर रहा है आप सब का? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि रमज़ान के साथ काम भी शुरू हो गया एकदम से। गाइस डोंट नो मी, दिस इज़ नादिया एंड आई मेक डेली व्लॉग्स फॉर यू गाइस। और इतना मज़ा आ रहा है मुझे डेली व्लॉगिंग का कि आई कैन नॉट टेल यू गाइस। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स देखे कैसा लग रहा है, लाइक अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बुरा तो खैर नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैं बड़े अच्छे और मेहनत करके व्लॉग्स बना रही हूँ। नहीं रिस्पॉन्स भी अच्छा मुझे पता है, तो मतलब कॉमेंट वगैरह अगर करते हैं तो मज़ा आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस यार के रमजान है तो आप लोगों ने बड़ी दुआ करनी है अपने लिए भी और मेरे लिए भी करनी है। मुझे अपनी दुआओं में खास तौर पे याद रखना है क्योंकि मैं जो थी ना पिछले दिनों बहुत बीमार थी और बीमारी से रिकवर करने के बाद मैं एकदम चुस्त हो गई हूँ। लेकिन अगेन थिंग इज के बेहतर हूँ, लेकिन आपकी दुआओं की जरूरत है। आज है जी 18th of March एंड इट इज मंडे। आज का दिन बड़ा अच्छा रहा मेरा, काफ़ी हैपनिंग दिन था। फिर अचानक से बस आ गए मुझे लेने, तो मैंने रिकॉर्ड किया क्लिप, रिवाइंड करके मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। बस मुझे लेने आए स्कूल में एंड इट वाज ग्रेट। और बस अभी उन्होंने मुझे ड्रॉप किया है और वो वापस चले गए ऑफिस। उन्होंने बड़ी एक स्पेशल चीज़ ली अपने ऑफिस के लिए, मैं वो भी दिखाऊँगी आपको। एंड मैं उसके लिए एक्चुअली बड़ी एक्साइटेड थी, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये यार के दिन अच्छा गुजर रहा है, रमज़ान अच्छा गुजर रहा है। मौसम जो है ना एकदम से कड़क धूप हो गई और ऐसे लग रहा है कि जल जाएंगे। फिर भी मैं जो है रिंग लाइट के बगैर यहाँ नेचुरल सनलाइट में सिर्फ आप लोगों के लिए व्लॉग कर रही हूँ। लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा। एंड इसके अलावा ये कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, वीडियो ना अच्छी भी लगे तो फिर भी लाइक करना है। वैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। ठीक है यार, आप लोगों की मर्ज़ी, लेकिन वीडियो लाइक कर दिया करें। ठीक है जी, वीडियो लाइक करें और एक अच्छे से कमेंट कर दीजिए, दैट्स अबाउट इट। एक होती है बेल नोटिफिकेशन, ठीक है, उसको करना होता है प्रेस। जब आप उसको करते हैं ना प्रेस, तो आपकी जो नोटिफिकेशंस है ना तड़ 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 करके आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं। तो आपने ये करना है कि नोटिफिकेशंस प्रेस टू ऑल करके मेरी सारी वीडियोज़ रिसीव करनी है एंड देखने भी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया आज कोई छठा सातवां रोज़ है। वैसे काउंट मेरा बड़ा ख़राब है, वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट द काउंट। बट ये है कि यहाँ पे आज मैं गार्डन में खड़ी हुई हूँ आके, इस वक्त हो रहे हैं 2। और खुशखबरी ये है कि हमारा जो है मैनेजमेंट का टाइम हो गया है 2:00। 2:00 इज़ गोइंग टू बी द एग्जिट टाइम फ्रॉम माई वर्क प्लेस, विच इज़ अमेजिंग। और ये हुआ इसलिए क्योंकि आज बासित मुझे लेने आए, तो मैंने कहा कि मैं अर्ली एग्जिट कर लेती हूँ ना, और मुझे पता चला कि आज एग्जिट ही 2 है। एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड और मैंने कहा काश भासित मुझे पिछले हफ्ते लेने आ जाते, तो ये खुशखबरी मेरे कानों में पहले ही पड़ जाती। एनीवेज ये कि यार आज जो है हम 2 बजे आए हैं घर, 2:30 बज रहे हैं इस वक्त ऑलमोस्ट, आते आते आधा घंटा हो गया। और उसके अलावा ये कि बस अभी हम जो है ना थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि कल रात में काफ़ी लेट सोई थी, संडे था, भासित भी घर थे एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। आई डिडंट रिकॉर्ड एनीथिंग, आई एंजॉयड फैमिली टाइम। बहुत तेज हो रहा है। बाकी अभी यार ये कि इस वक्त जो है ना मौसम कड़कती धूप है और तरीन अकेडमी गई हुई है, अब्बू अकेडमी गए हुए हैं, आज राबेल भी उनको कंपनी देने के लिए अकेडमी गई हुई है। घर पे हमारे एक मेहमान आए हुए हैं, ठीक है जी, फैमिली के, मेरे इन लॉज की फैमिली में से ही, तो वो रह रहे हैं यहाँ पे। एनोनिमसली हम दिखाएंगे सिखाएंगे नहीं उनको, ठीक है जी, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो एक पब्लिक चैनल है, लेकिन पब्लिक फिगर सिर्फ यहाँ पर मैं हूँ और पर्सनैलिटी भी फेमस सिर्फ मैं हूँ, तो फेमस लोगों को ही दिखाते हैं हम यहाँ पे सिर्फ। मैं, अम्मी और आयजा घर पे हैं और हमारे जो मेहमान हैं वो भी घर पे हैं। आयजा जो है इस वक्त कर रही है किचन में काम अपनी यूनिवर्सिटी से आके, अम्मी कमरे में बैठी हुई हैं तस्वीर कर रही हैं। मैं इस वक्त आई हूँ यहाँ, ग्राउंड कह देती हूँ, स्कूल का ग्राउंड कहते हैं ना, तो यहाँ घर में लॉन और ग्राउंड मिक्स हो जाता है। और मैंने कहा कि यार यहाँ आके मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ व्लॉग की स्टार्ट करूँ, इंट्रो करूँ। व्लॉग की स्टार्ट क्या बोल रही हूँ आज, कुछ समझ नहीं आ रही। खैर व्लॉग का स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको रिवाइंड करके दिखाऊंगी कि किस तरह मेरे स्कूल का दिन गुजरा, कैसे सारी चीज़ें, मैं गई किस तरह, आई किस तरह, हुआ क्या, क्योंकि मैंने कहा कि यार छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड कर लूँ और उसको मैं वॉइस ओवर ही करूँगी, तो वो देखें और उसके बाद हम अपना दिन स्टार्ट करते हैं, बाकी इफ्तारी की प्रिपरेशन एंड सारा कुछ। मौसम के बारे में बता रही थी मैं आप लोगों को, लग तो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा कि धूप तेज़ है, लेकिन यार ओ माई गॉड इतनी कड़कती धूप है भाई साहब, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं गर्मियों में यहाँ पर कैसे से खड़े होकर व्लॉग किया करूँगी, क्योंकि मैं अभी से सर्दी की धूप में तंदूर बन चुकी हूँ और धूप बहुत तेज़ है यार। तो आई थिंक गर्मियों में तो आप मेरे रूम में ही व्लॉग या घर में ही स्टार्ट ले रहे होंगे, बट क्योंकि सर्दियों में आप कर सकते हैं इस तरह, फिर भी गर्मियों में बड़ा मुश्किल हो जाता है और मौसम अच्छा है फिर भी, लेकिन यह है कि धूप में अगर आप डायरेक्टली खड़े होते हैं फिर बहुत बुरा मौसम है और आप कैसे होते हैं कि आप जल जाएंगे, मुल्तान में आ गए हैं आप। तो अगर कोई मुल्तान वाला देख रहे तो मेरी सारी सिंपथीज आप लोगों के साथ है यार, सिटी मुल्तान बहुत अच्छा है लेकिन सूरज जो वहाँ सवा नीजे पे आ जाता है ना,
हाय तबाही हो जाती है. सो लेट्स गो इनसाइड यार, क्योंकि हम लोग जो है वो अभी करने लगे हैं रेस्ट. और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद उठेंगे, काम शाम करेंगे, ऐसा जितना कोई ज़्यादा काम करना नहीं है. सो यार रूम में चलते हैं. रूम शूम मेरा जो है साफ़ हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं रबेल ने जाते हुए चमका दिया है. और ये तकिया जो ऐसे पड़ा हुआ है ना, मुझे ऐसे लगता है ये बस इतने रखा. चलें जी, ठीक है जी, ये हो गया हमारा रूम सेट. मेरा ख्याल है मैं अम्मी के रूम में ही जाके बैठूंगी, क्योंकि ठीक रहेगा वहाँ पे अम्मी के साथ ही उठ जाऊंगी, वरना तो फिर मैं इफ्तारी के वक्त ही उठूंगी और वो बड़ा पैथेटिक हो जाएगा. अंदर आ गई और मैंने कोई वीडियो के अलावा थंबनेल शमनेल नहीं बनाया, सो आई हैव टू गो बैक आउटसाइड जस्ट टू क्लिक थंबनेल आप लोगों के लिए इस वीडियो के लिए. और फिर बस रेस्ट करते हैं यार. सांस सांस हो गया मेरा, क्योंकि मैं धूप में खड़े होके ना हालत बुरी हो गई है मेरी. बाकी ये कि यार ये जो है ना बाहर लगा हुआ टीवी, बिल्कुल भी मैं आप गाने रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, मैं बड़ा ध्यान रखती हूँ. इतना बड़ा कॉपीराइट क्लेम मेरे पे आया ना, जो स्ट्राइक मुझे पड़ी है, उसके बाद मैंने कहा मैंने तो आप बिल्कुल भी नहीं जो है ना करना, बिल्कुल भी नहीं करना मैंने कोई गाना और इस तरह की चीज़ नहीं है. और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छा चल रहा है. 3 स्ट्राइक्स आ जाए ना आपको अगर 90 डेज़ के अंदर अंदर, तो फिर आपका चैनल हो जाता है ख़त्म, डेड. सो ज़रा ये थोड़ा सा मैं परेशान हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स फाइन नाउ. एक स्ट्राइक पड़ी है, अभी देखते हैं क्या होता है. अच्छा बाहर चल के हम बना लेते हैं थंबनेल. मम्मी बैठी हुई हैं अंदर, ये पता नहीं क्यों गिफ्ट बास्केट यहाँ पड़ गई है. बास्केट कल मैंने नेल पेंट भी रिमूव किया, आप लोगों ने कहा कि रोज़ा नहीं होता इसमें. यार आई नो दैट रोज़ा तो हो जाता, खैर नमाज शमाज नहीं होती. तो मैंने अपने सारे नेल पेंट रिमूव किए, नेल वगैरह काटे हैं मैंने, ताकि जो मैं आपको अपना चांद सा चेहरा दिखा सकूँ. मेरे तो अल्लाह मियाँ को दिखाना चाहिए, लेकिन दुनिया भी तो है ना यार रिमांड लेने के लिए. ठीक है, आप लोगों में से बहुत अच्छे लोग हैं जो रिमांड ले लेते हैं मेरा, तो क्या कर सकते हैं फिर. अब काटे मेरे नेल. बच्ची ने, मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ तो उससे मुझे ट्वेल्थ सोन का कार्ड दिया. बच्चे देखते रहते, डेफिनेटली दे लव यू लॉट. एंड देन शी गिफ्टेड मी दिस चॉकलेट एज वेल, व्हिच डेफिनेटली रमजान में आप रोजे के वक्त खा सकते. फिर उसके बाद ये कि यहाँ पे बस ऑफ टाइम था, तो मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, ज़्यादा रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की. और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ रिकॉर्ड, क्योंकि बाजल मुझे लेने आ गए. आई एम सो एक्साइटेड राइट नाउ. पता नहीं रैंडम ही प्लान बना, मतलब प्लान इन द सेंस कि बासित ने कहा कि मैं अपने काम से आ रहा हूँ भाई, और बासित ने ये एप्पल का लिया है स्क्रीन, क्या बोलेंगे इसको, मॉनिटर बोलेंगे. ओह माय गॉड, मैं सुपर एक्साइटेड. मैं गाड़ी में बैठी और मैंने यूँ देखा, मैंने कहा एप्पल. 4 दफ़ा मैंने बासित के कान में एप्पल 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 बोला, बासित कहते जी एप्पल. मैंने कहा ये किसका है, और ही सेड कि यार आपका रील ऑफिस का है. डेफिनेटली घर पे हमें रिक्वायर्ड नहीं है. उन्होंने एक दफ़ा पूछा ना मेरे से कि तुम पीसी लगवा दूँ यहाँ पे, सिस्टम लगवा दूँ, और खुद भी उनका काम होता है, लेकिन लैपटॉप पे ही कर लेते हैं और हर वक्त कैरी करते हैं अपने साथ लैपटॉप. उनके काम तो चलते रहते हैं कॉल्स पे भी और लैपटॉप पे भी. लेकिन यह है कि इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, बिकॉज आई एम लाइक सुपर प्राउड ऑफ माई हस्बैंड. एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने और तरक्की दी है. सो मम्मी उन्होंने ऑफिस के लिए लिए डेफिनेटली, काम के लिए अपने लिए तो उस तरह से बाकी लैपटॉप ही यूज़ करते हैं वो, लेकिन ये है कि काम वगैरह के लिए लिया. और बस हम घर वापस जा रहे हैं यहाँ पे. और यहाँ मौसम तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने शीशा खोला हुआ है और हवा भी इतनी तेज़ आ रही थी इसके अंदर से, क्योंकि गाड़ी बड़ी गर्म हो गई थी. और एसी तो अभी आप चला नहीं सकते, आप बीमार हो जाएंगे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना. जैसे मैंने आप लोगों को ब्लॉग के स्टार्ट में बताया कि बहुत गर्मी है. अच्छा जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल से तो पढ़ ही लिया होगा कि आज की वीडियो के अंदर मैं अपने हस्बैंड के लिए, वन एंड ओनली ब्यूटीफुल हस्बैंड के लिए बनाने लगी हूँ बड़े मज़े की एक रेसिपी बॉक्स पैटीज़ की. अगर आप लोग एंड तक देखना चाहते हैं तो यार देखें, बड़ा ही मज़ा आएगा और बड़ी मज़े की क्रीमी बनती हैं. बस इतने बहुत पसंद की, बल्कि सबको ही बहुत पसंद आई थी. लेकिन ये कि इसकी रेसिपी भी बहुत ईजी है. तो सबसे पहले हम लोगों ने ले लेना है एक पैन, उसके अंदर हम लोगों ने डाल लेना है ऑयल. ऑयल हम लोग यहाँ पर यूज़ करें डालडा का,
बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल यानी 1.5 चम्मच ऑयल, उसके ऊपर हम लोगों ने चॉप करके डालना है प्याज, फ्रोजन भी डाल सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे फ्रोजन प्याज पड़ा हुआ था तो मैंने वही यूज़ कर लिया। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें, अदरक नहीं है तो लहसुन से काम चलाएं, मैंने तो लहसुन ही कूट लिया था सिर्फ और वही डाला। अच्छा, अदरक डालने के बाद लहसुन डालने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसको जो है ना कर लेना थोड़ा सा ब्राउन, यानी कि आपने सौते करने के बाद जब उसका स्मेल और अरोमा निकलने लगे तो आप पानी ऐड कर लें ताकि आपके प्याज भी थोड़े से गल जाएं। और उसके बाद आप लोगों ने अपना चिकन ले लेना है। यहाँ पे मेरे पास चिकन का कीमा है और ये फ्रीज़ हुआ हुआ था, यानी फ्रोज़न था। फ्रोज़न होने की वजह से इसको थोड़ा सा टाइम लगा, लाइक 5 से 8 मिनट लगे, लेकिन जैसे ये खुला तो उसके बाद फ़ौरन से ये वाइट होने लग गया। फिर हमने इसके अंदर 1 चम्मच डाल दिया नमक, 1 चम्मच डाल दिया हमने मिर्च छोटे वाला, फिर हमने इसके अंदर सिरका डाला, काली मिर्च डाली और साथ हमने डाल दी अपने सॉसेस। सॉसेस में हम लोगों ने सोया सॉस स्किप करना है वरना काला हो जाएगा, और इसको हमने वाइट वाइट रखने के लिए सिर्फ सिरका डालना है। अच्छा, अब जो मेन पार्ट है ना हमारा वो है ये मायनीज और क्रीम का। ये मैजिक कितना काम करेगा और इतना क्रीमी सॉसी जूसी मज़े का बनेगा ये, और बड़ा थिक हो जाता है यार। और आपने ऑयल कम डालना है क्योंकि ये ऑयल अपना छोड़ भी देता है, बिकॉज क्रीम जब डलती है ना तो वो थोड़ा सा ऑयल छोड़ देती है। तो जब आपने ये बना लिया, इसको कूल करना है, ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद आप लोगों ने प्लस के साइन के अंदर इस तरह से आपने रोल की पट्टियाँ समोसे की पट्टियाँ ले लेनी है। लेने के बाद आपने स्पून से इस तरह से स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद आप लोगों ने जो है ना इसको करना है पैक। पैक आप इस तरह से करेंगे कि एक आपने ऊपर वाली शीट उठाई, फिर आपने नीचे वाली उठाई, फिर साइड वाली उठाई और फिर राइट और लेफ्ट करके दोनों साइड्स में आपने पैक कर दिया। अच्छा, अब मैंने ये वीडियो जो है ना काफ़ी लंबी जो है बनाई है, मतलब कि इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर लिया था और मैंने कहा मैं आपको 4-5 शीट्स करके दिखाऊं ताकि आपको आइडिया हो जाए। और तकरीबन हमारे पास जो है ना वो 8 बॉक्स पैटीज बनी हैं इससे। वैसे अगर आप छोटा साइज़ रखते यानी कीमे को आप फिलिंग कम करते तो आपकी 9 भी बन सकती है, लेकिन मैंने 8 ही बनाई है। और हम जो 8 ही 7 मेम्बर्स हैं घर में, 8 हमारे घर में एक मेहमान भी आए तो उसके लिए भी बनाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है पट्टियाँ पूरी हो गई, वरना बड़ी बेइज्जती हो जानी थी और फिर मुझे समोसा बनाना पड़ जाना था इसका, क्रीमी समोसा। सो एनीवेज की पट्टियाँ हम लोग कर देंगे फ्रीज़। और ये वीडियो एक जो है ना वो दिन पहले की है क्योंकि हमारे पास बन रहे हैं पकोड़े, और पकोड़ों का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल सिंपल है। पिछले व्लॉग्स में मैंने ऐड किया है, आपने गोभी लेनी है, प्याज लेने हैं, सारे मसाले डालने हैं, थोड़ा सा बेसन डाल के बिल्कुल 2 कतरे पानी डालना है, मिक्स करना है और उसके बाद आपने इस तरह के पकोड़े बना लेते हैं, ठीक है, इस साइज़ के छोटे छोटे, और ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे, वेरी क्रिस्पी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे जो है ना वो तीसरा बैच पकोड़ों का फ्राई हो रहा है। आज हमने छोटी कढ़ाई रखी है और ये बस लाइट ब्राउन होंगे तो हम इसको निकाल लेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करने, बिकॉज़ जब वो सूख जाते हैं तो फिर बिल्कुल काले लगते हैं, वो मुझे फिर पसंद नहीं है वैसे। सो दीज आर डन। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने यहाँ पे 2 आलू काटे हुए हैं, 2 आलू के पकोड़े, सिंपल वाले आलू के पकोड़े बनाएंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर बैंगन है, मुझे बैंगन के पकौड़े पसंद है तो 1 बैंगन लिया सिर्फ, मैं और अब्बू खा लेंगे। फिर नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग बनाने लगे हैं वो मैक्रोनीस हैं, और मैक्रोनीस के लिए मैंने यहाँ पर पानी उबलने के लिए रख दिया ऑयल और नमक डाल के, ये मैक्रोनीस हमने ली हैं। और इसके अलावा हमारे पास एप्पल्स हैं फ्रिज में पड़े हुए जो हम एंड पर निकालेंगे क्योंकि एंड पे ही बना रहे हैं हम लोग तो सैलड गर्म ना हो जाए। अभी जितने भी ये बादाम हैं इनको मैं कट कर लूँगी और इनको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगी। किशमिश जो है मैंने उसमें उसको पानी में भिगो के रखा हुआ है। ये 3 ड्राई फ्रूट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं आज, ठीक है। वैसे खजूर भी डाल सकते हैं लेकिन ऑप्शनल है, आई डोंट लाइक, बहुत मीठा हो जाता है। सो देखते हैं एंड पे क्या पता है, खजूर भी ऐड कर दें। और कॉकटेल आइजर जो है वो लेने गई थी, हम कॉकटेल भी डालेंगे इसके अंदर। हमारी बेल बज रही है, हाँ ठीक है, कॉकटेल भी डालेंगे इसके अंदर हम। और नेक्स्ट हम जो है मैक्रोनीज बॉयल करके, बस हमने एप्पल्स वगैरह कट करने हैं, ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, कॉकटेल मायनीज क्रीम डालनी है, एंड दैट्स अबाउट इट। सो अभी फ्रिज में चीज़ें पड़ी हुई हैं, जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद ही हम बाकी फ्रिज वाली चीज़ें निकालेंगे ताकि कुछ गर्म ना हो जाए, और सैलड हमारा फिर रेफ्रिजरेट कर देंगे ताकि ठंडा ठंडा रहे, क्योंकि टाइम अभी इस वक्त हो रहा है तकरीबन 4:30-5 के करीब, एंड वी हैव 1 आवर टू डू दिस ऑल। मैंने भेजा हुआ है बस, अब आज कॉकटेल का डब्बा लेके आई हूँ। हम ग्रोसरी में काफ़ी कुछ लेके आए हैं लेकिन उस वक्त मैं ऑब्वियसली इतना रश था, मैंने कार्ट पकड़ी हुई थी तहरीम और बस जो है वो आगे पीछे जो है ना वो जा रहे थे, भाग रहे थे, और चीज़ें जो है ना जो जो नज़र आ रही थी वो डाल रहे थे। और बड़ी ही हमने जो है ना वो 2 ट्रॉलीज़ हमारी भर चुकी थी माशाल्लाह से, तो मतलब उसके बाद क्या डाला क्या नहीं डाला मैंने ये तो नहीं देखा। लिस्ट हमने घर से ऑलरेडी बनाई हुई थी, रमज़ान स्पेशल लिस्ट दिखाई हुई है मैंने आपको ग्रोसरी थोड़ी बहुत, तो बस फिर वो जितना हो सकता था हमने किया। बाकी अब लेट्स सी, हमारे पास नेक्स्ट मिक्सचर है जिसमें हमने बेसन डाला है, और बेसन के अंदर हम लोगों ने डाला है तकरीबन 1/2 कप बेसन लिया हमने, ठीक है, और छोटे वाला, और उसके अंदर हमने डाला है नमक, गरम मिर्च, जीरा, सूखा धनिया साबुत, और थोड़ी सी जो हमने मेथी डाली थी
मिर्ची डाली है, ठीक है। ये डाल के हम इसको बस अब कर रहे हैं मिक्स, क्योंकि हम लोगों ने बनाने हैं ये वाले पकौड़े, तो इसके लिए हमें दूसरे वाला बैटर चाहिए, ठीक है जी। इतनी देर में हम अपना बैंगन भी काट लेते हैं। 1, 2, 3 ये हमारे पिछले पकौड़े हैं, जो थोड़े से जो बेदहानी में मेरे से ज़्यादा ब्राउन हो गए हैं, क्योंकि राबेल नमाज पढ़ने चली गई थी तो मैं ब्लॉग और अम्मी के सब बातों में लगी थी, हाँ वजू करने गई थी। चलो बस हो गया, मैं डालूँ आज मोटे रखे हैं ना, कोई कंप्लेन नहीं करेगा। चिल्ला चिल्ला मैंने पकोड़े जो है ना ये वाले डाले हुए थे, तो नीचे वाले थोड़े से जल गए थे, तो अब वो नीचे छुपा दिए मैंने, और जैसे इसी वाले थे वो मैंने ऊपर रख दिए, क्योंकि हमारे पकोड़े बच ही जाते हैं इन पे थोड़े बहुत, तो ये वाले क्रिस्पी। बाकी आलू के पकोड़े बनाए हैं क्योंकि अब्बू को थोड़े पसंद हैं, और ये कि आज फिर वो संडे भी है तो चलो सारे बना लेते हैं। ये बैंगन मैंने काट लिए हैं, यहाँ पर एज अ फ्रूट सैलड के लिए हेल्प करी है मेरी वो, उसने सारे एप्पल्स काट लिए हैं, ठीक है जी ऐसे, और खजूरें हमने धो ली हैं अपनी। अच्छा यहाँ पे तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं किस तरह से इतनी अल्ट्रा प्रोमैक्स हो गई हूँ, मतलब मुझे मम्मा ने रेसिपी ज़रूर सिखाई हुई थी रशियन सैलड की। सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है कि आपने मायनीज ले लेनी अच्छी खासी क्वांटिटी में, यानी एक से आधा, एक से डेढ़ कप ले लेना। उसके बाद आपने तकरीबन एक पूरा पैकेट, कंजूसी नहीं करनी, एक पूरा पैकेट ऑलपर्स की क्रीम का डालना है। आप लोग कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पर ऑलपर्स यूज़ करी। अच्छा यहाँ पे मैंने जो है ना वो चीनी ले ली है, और चीनी को मैंने कर लेना है माइक्रोवेव थोड़े से पानी के साथ, ताकि हम मीठा भी कर सकें इसको, बिकॉज डेफिनेटली सेब तो इतने आपके मीठे नहीं होते। फिर आपने मैकरोनीज ले लेनी है बॉईल करके, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बॉईल कर ली थी, और अच्छे से इसका पानी स्टेन करने के बाद इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने। ड्राई फ्रूट्स में हमारे पास बादाम है, ड्राई फ्रूट्स में हमारे पास वॉलनट्स हैं, और किशमिश भी है, रेजन्स, ठीक है। ये सब डालने के बाद आपने अपने फ्रूट्स डाल देने। यार फ्रूट्स में ना टू बी वेरी ऑनेस्ट कॉकटेल ही अच्छा लगता है, और सिर्फ एप्पल्स अच्छे लगते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आलू डालते हैं, वो मतलब अजीब साउंड करता है यार, आलू शादी वाला सलाद थोड़ी ना हम लोग बना रहे हैं, शादी पे तो सलाद बनता है जिसमें गोभी डलती है, ये रशियन सैलड है गाइस। तो इसके अंदर आपने ना बड़ा फैंसी रखना है, और यहाँ आप तहजीब स्टाइल रशियन सैलड बना रहे हैं। अगर आप लोग पिंडी इस्लामाबाद में हो तो आपको आइडिया होगा तहजीब का, तहजीब इज़ अ गुड बेकरी। उसके अलावा ये कि बाकी भी बेकरी बड़ी अच्छी अच्छी, जो आप अगर फैंसी बेकरी में फैंसी जगह पे जाएं तो आपको रशियन सैलड हमेशा इसी तरह मिलता है, उसके अंदर कभी आपको आलू या गोभी या इस तरह की चीज़ें नहीं नजर आती। शादियों में डलते हैं मटर और इस तरह की चीज़ें, लेकिन आई रियली डोंट लाइक वो वाली सारी चीज़ें, और मुझे बहुत खिचड़ी नहीं पसंद, सो आई एम गोइंग टू कीप इट सिंपल। इसके अंदर हम लोगों ने अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद कॉकटेल डालिया, कॉकटेल डालने के बाद मिक्सिंग दोबारा की, और हमने इसको डिश आउट कर लिया एक प्यारे से बोल के अंदर, क्रिस्टल बोल में रखें जब भी आप डिजर्ट्स बना रहे हो, क्रिस्टल में कांच की चीज़ों में रखें, ताकि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, अगर कोई चीज़ की लेयरिंग करनी है तो साइड पे लेयरिंग भी हो और वो अच्छी लगे। और फिर उसके बाद हमने इसको गार्निश कर लेना है अपने अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स के साथ, कंजूसी नहीं करनी बिल्कुल भी, प्यारी शेप में कटे होने चाहिए। और लास्ट अब हमारे यहाँ पे कॉकटेल है। अच्छा अब कॉकटेल जो है ना बेसिकली वो होते हैं बड़े बड़े पीस, तो मैंने उनको कर लिया है कट अच्छे तरीके से छोटे छोटे पीसेस में, ताकि मैं गार्निशिंग करूँ तो वो बहुत बड़े बड़े चंक्स ना लगे, बल्कि छोटे छोटे पीसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। और तकरीबन हाफ कैन मैंने यूज़ किया था, और सिरप भी यूज़ किया आप लोगों के सामने। और बस बासिस के लिए मैंने अलग बाउल बनाया, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि उनको रात में भी क्रेविंग होती है, वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और मेरा भी दिल करता है, सो फिर हम लोग जो है ना वो कर लेते हैं। तो उनके लिए मैंने स्पेशली अलग बाउल बनाया था, और ये पूरा फैमिली साइज बाउल है, शायद यहाँ इतना फील ना हो रहा हो। इसके अलावा ये कि हमारे पकोड़े भी बन गए, हमारी चाट भी रेडी है जो कि राबेल बना रही थी, यहाँ पे इमली वो भिगो रही थी, ठीक है। ये बड़ी सिंपल सी चाट होती है, इसकी भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आपसे, अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट्स में बताएं। बॉक्स पटीज मैंने यहाँ पे फ्राई हो रहे थे, जो हमारी मेहमान आई हुई है वो कर रही थी, और रोल्स भी मैंने उनको फ्राई करने के लिए दिए थे। और ये हमारा दस्तरखान लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ इतना अच्छा था। बस इसके साथ मेरा आज पहला रोज़ा है, एंड लाइक आई एम सो एक्साइटेड, और ये कि मैंने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है। इस वक्त हो रहे हैं 8, और मैं जो है वो जाग चुकी थी तकरीबन 6 बजे। मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाई हैं, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आप लोगों ने करना ये है कि मेरी वीडियो को करना है लाइक, यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन होगा उसको सब्सक्राइब करना है, और बेल नोटिफिकेशन को करना है प्रेस टू ऑल, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया है, ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिले। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल के ब्लॉग में। टिल दैट टाइम स्टे हाइड्रेटेड, अपना बहुत ख्याल रखें, मौसम एकदम से चेंज हो रहा है, तो सर्दी गर्मी के कपड़े जो है ना वो मिक्स नहीं करने, ठंडा पानी और गर्म पानी पी के बीमार नहीं होना, और अपना ज़रा ख्याल ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप हो गए बीमार तो फिर मसला हो जाना है ना आप लोगों के लिए, रोज़े भी नहीं रखेंगे, अजीब सी रूटीन हो जाएगी। बाकी ये कि इंशाल्लाह आपसे कल के ब्लॉग में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह मियाँ हमारे रोज़े कबूल फरमाएँ। और अगर आप लोगों को इस ब्लॉग में छोटी सी भी नई रेसिपी मिली हो,
अच्छी लगी हो, कोई बात अच्छी लगी हो, कुछ पसंद आया हो तो मुझे यहाँ कमेंट्स में ज़रूर बताएं. आई वुड लाइक दैट द वे यू विल अप्रिशिएट मी. एंड आई विल कैच यू गाइस टुमारो विद अ न्यू ब्लॉग इंशाल्लाह. ओके बाय.